नमस्कार, बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। वो मैं हूं आपके साथ मनोज तिवारी। तो आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर मंगलवार को सागर में श्री गणेश विसर्जन चल समारोह निकाले गए, जिनमें तरह तरह की गणेश प्रतिमाएं शामिल थी। सुबह से ही श्री गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला प्रारंभ हुआ और देर रात तक चलता रहा। चल समारोह में लोग ढोल नगाड़े बाजे पर नाचते हुए गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ गीत गाते हुए साथ चल रहे थे। गणेश विसर्जन को लेकर पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद नजर आया। कोई अप्रिय घटना घटित ना हो, जिसको लेकर जगह जगह पुलिस के जवान तैनात रहे। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी इस पर नजर बनाए हुए थे। विसर्जन स्थलों के घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। चल समारोह शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए विसर्जन स्थल बड़ी नदी, ढाना, चितौरा, मैहर सहित अन्य स्थलों पर पहुंचे, जहां पूर्ण श्रद्धा पूजा पाठ के साथ गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। सभी गणेश विसर्जन स्थलों पर आवश्यक प्रकाश व्यवस्था की गई थी, साथ में जनरेटर भी लगाए गए थे। गणेश विसर्जन के समय नाव में गोताखोर तैनात रहे। सभी गणेश विसर्जन स्थलों पर एम्बुलेंस, डॉक्टर की भी व्यवस्था की गई थी। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी विधायक शैलेंद्र कुमार जैन के निर्देश पर नगर निगम द्वारा संजय ड्राइव रोड के किनारे महालवार देवी मंदिर के पास कृत्रिम कुंड का निर्माण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में परिवारों ने पहुंचकर अपने अपने घरों में विराजमान भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमाओं का विसर्जन किया। सागर से जिला ब्यूरो राजेश पारसर की रिपोर्ट।